हेलो स्टूडेंट, अगला लेसन शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी और किताब बुक को ख़रीद लीजिए जिसके पास नहीं है। और उसके बाद क्योंकि बिना कॉपी और बुक के आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसके पहले हमने जो ऑनलाइन क्लास आपकी ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ाया था, जो आपकी क्लासेस चली थी उसमें हमने आपको लेसन सेकंड की रीडिंग कराए थे। अब हम उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। उस लेसन सेकंड की एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग को देखते हैं। स्टूडेंट, आप लोग वर्ड मीनिंग को कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, इसको आपको राइट करना है। चलिए वर्ड मीनिंग को देखते हैं। पहला है नारी हृदय स्त्री मन मियाद कार्य विशेष के लिए निश्चित समय अनुभवी तजुर्बेकार परिपक्व अंदेशा आशंका सहानुभूत हमदर्दी मुखमंडल चेहरा मनोरथ इच्छा दिव्य शक्ति ईश्वरीय ताकत पाषाण पत्थर अधीन बेचैन। अब हम उसकी एक्सरसाइज में आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाते हैं कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला है लाजवंती का जीवन का सहारा था। इन जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं तीन, इसमें से जो राइट ऑप्शन है उसी को हमें चूज करना है। तो लाजवंती के जीवन का सहारा कौन था? हेमराज। तो पहला ऑप्शन राइट है, इसमें हमें पहले ऑप्शन पे टिक करना है। सेकंड है बुखार से व्यसित था। बुखार से व्यसित कौन था? इसमें भी तीन ऑप्शन है, इसमें से राइट ऑप्शन हमारा होता है ऑप्शन नंबर सेकेंड हेमराज। हेमराज पे टिक कर देना। ग है लाजवंती ने मदद की। लाजवंती ने किसकी मदद की थी? तो तीनों ऑप्शन में से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होता है हरों की। हरों पे टिक कर दो। घ लाजवंती ने हरों को दिया। लाजवंती ने हरों को क्या दिया था? तो लाजवंती ने हरों को इस तीनों ऑप्शन में से हमारा थर्ड ऑप्शन सही होता है 200 रुपए दिए थे। थर्ड ऑप्शन पे हमें टिक करना है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है रिक्त स्थान भरो। इसमें जो खाली स्पेस जो खाली जगह है जो स्पेस है उसमें हमें जैसे बुक में फिल किया गया है आप लोग वैसे ही अपनी बुक में फिलअप कर लेना। देखो आखिरी पुत्र उसके जीवन का सहारा था। किसके? आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। लाजवंती यह सुनती तो उसके आँखों में आंसू लहराने लगते। गाँव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। उससे दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। रामलाल बेटे के सिरहाने बैठ गए। च तीन महीने बाद लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुए। नेक्स्ट लाजवंती का हृदय दुख से पानी पानी हो गया। ज सच्चा सुख त्याग में ही है। अब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। मैचिंग है सही मेल मिलाओ। अब दोनों तरफ ऑप्शन दिए गए हैं बुक में, आप देख रहे हैं जैसे इसमें मिलाया गया आप लोग वैसे मिला दो। पहला है लाजवंती दूध दुह रही थी उन्होंने पैसे के लिए। आशा के साथ निराशा भी थी। आज की रात बड़ी भयानक है। तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। सच्चा सुख त्याग में है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है सही पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है। का है हेमराज लाजवंती के जीवन का आखिरी सहारा था। पहला बिल्कुल सही है, आप इस पे सही का निशान लगा दीजिए। ख वैद्य जी ने हेमराज को देखने से मना कर दिया। नहीं, वैद्य जी ने नहीं नहीं करते हुए पैसे ले लिए। हाँ, लाजवंती ने हेमराज की रक्षा के लिए मन्नत मांगी। सही है, सही का निशान लगा दो। लाजवंती ने हरों की मदद करने से मना किया। नहीं। नेक्स्ट सच्चा सुख तो स्वार्थ में है। नहीं, गलत है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, किसने किससे क्या कहा था? हेम बीमार है, लाजवंती ने वैद्य से।
कोई चिंता नहीं, दवा देता हूँ बुखार उतर जाएगा, वैद्य ने लाजवंती से। आज 11 दिन तो हो चुके हैं, वैद्य ने लाजवंती से। मैं तो तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ, वैद्य ने लाजवंती से। क्या तुम उसे दूर कर दोगी, हरों ने लाजवंती से। कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है, हरों ने लाजवंती से। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये जो एक्सरसाइज थी बुक की, वो हमारी कंप्लीट है। आप इसको बुक में पूरा फील कर लेना, बिना बुक के आपको इसके ये समझ में नहीं आएगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। ये देखो इसका क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, लाजवंती की चिंता का क्या कारण था, हेमराज की बीमारी, उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन है, लाजवंती ने वैद्य जी को क्यों बुलवाया, लाजवंती का पुत्र बीमार था, वैद्य जी को इसलिए बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 3, वैद्य जी ने हेमराज के पिता को बुलवाने के लिए क्यों कहा, उत्तर, उसके पुत्र हेमराज की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। क्वेश्चन नंबर 4, लाजवंती ने क्या मन्नत मांगी और क्यों, उत्तर है, लाजवंती ने तीर्थ यात्रा की मन्नत मांगी थी क्योंकि उसका पुत्र बीमार था। क्वेश्चन नंबर 5, हरों की चिंता का क्या कारण था, हरों की चिंता का कारण उसकी बेटी की शादी। क्वेश्चन नंबर 6, क्या लाजवंती द्वारा लिया गया फैसला सही था, यदि हाँ तो क्यों, आंसर है हाँ, लाजवंती द्वारा लिया गया फैसला सही था क्योंकि वह उन पैसों से किसी की परेशानी को दूर कर रहे थे। तो बच्चों, इस तरह से आपका लेसन 2 की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर दोनों कंप्लीट होते हैं। आपका होमवर्क है कंप्लीट योर कॉपी एंड बुक। आप इससे अपनी कॉपी और बुक को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।